महाराजपुर के वार्ड नंबर एक में रहने वाले आदि चौरसिया, जिनकी उम्र अभी 9 साल है और वो थैलेसेमिया जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। आदि के पिता राजीव रंजन चौरसिया उर्फ नीतू महाराजपुर में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के संचालक हैं। राजीव रंजन चौरसिया बताते हैं कि उनके मात्र एक ही संतान है और वो भी थैलेसेमिया मेजर नामक बीमारी से ग्रसित है। जब वो 9 साल का था तो उसे मामूली बुखार हुआ। जब स्थानीय स्तर पर उसका इलाज कराया और बुखार सही नहीं हुआ तो जिला स्तर पर जाकर शिशु चिकित्सक से उसका इलाज करवाने के दौरान इस बीमारी का पता चला। तब से लेकर अभी तक अपने स्तर पर वो इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब पूर्ण इलाज के लिए देश की राजधानी दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन कराया जाना है, जिसकी लागत उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया है कि ट्रांसप्लांट के लिए 30,75,000 का खर्च आएगा। राजीव रंजन चौरसिया ने जन सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इतनी बड़ी रकम उनके लिए असंभव है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री सहायता कोष से 3,00,000 रुपए, मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान निधि से 1,00,000 और दिल्ली में स्थित एक निजी मिलाप संस्थान द्वारा 8,00,000 की सहायता की गई है और HCRA संस्थान ने दिल्ली ने भी सहयोग की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बच्चे के जीवन को बचाने के लिए सभी से सहयोग की अपील करता हूँ। मेरे बच्चे को थैलेसेमिया मेजर नाम की बीमारी है, जिसका मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता हूँ। कब पता चला आपको ये बीमारी? मेरा बच्चा जब 9 माह का था तब मुझे पता चला था। स्कूल लगातार बुखार आ रहा था और बुखार ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं उसको लेकर ग्वालियर गया, फिर ग्वालियर में जब डॉक्टर ने जांच करवाई फिर उससे मुझे पता लगा कि थैलेसेमिया नाम की बीमारी है। तो इसका इलाज के लिए अब कहाँ इसका इलाज करवाना चाहते हैं? इसका इलाज अभी अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है और मैं इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता हूँ, जो इसका आखिरी इलाज है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा इलाज है नहीं। तो किसका मतलब कितना खर्च पड़ेगा इसका? इसमें डॉक्टर के एस्टीमेट के अनुसार 30,75,000 रुपये खर्च है। तो इसके लिए कोई सहायता राशि नहीं मिली आपको? हमें सहायता राशि प्रधानमंत्री फंड से 3,00,000 रुपये मिला है, मिला NGO के द्वारा 8,50,000 रुपये मिला है, 1,00,000 रुपये मुख्यमंत्री द्वारा मिला है। अभी भी आपको और सहायता राशि की आवश्यकता? अभी हमें और सहायता राशि की आवश्यकता है। क्या ये कब तक चाहिए आपको? ये हमें 20 जून को डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन के लिए बुलाया है दिल्ली। 20 जून के पहले मुझे इतनी राशि की आवश्यकता है। उसके बाद भी अगर सहयोग मिलता रहे तो आगे भी मतलब काम चल सकता है उसमें। कितने दिन वहाँ रुकना पड़ेगा? वहाँ हमें कम से कम 7 से 8 महीने रुकना पड़ेगा।